हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वनीताज मैजिक किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भंडारे वाले आलू की सब्जी, जिसे हम अक्सर पूरी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और उसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म होएगा हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और इसके साथ हम डालेंगे 1 पिंच हींग, 2 हम डालेंगे इसमें तेज पत्ता और इसके साथ एक मोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही डालेंगे 2 हरी इलायची और 2 हमने ली हैं लौंग। सारे खड़े मसालों को हम लगभग 20 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। जब भी आप भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाएं तो उसमें ये खड़े मसालों का इस्तेमाल ज़रूर करें, तभी आपकी सब्जी एकदम हलवाई जैसी बनेगी। अब हम इसी स्टेज पर यहाँ पर डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसके साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। जब हम हल्दी और लाल मिर्च को डायरेक्ट तेल में डाल देते हैं तो इससे सब्जी का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आता है। अब हम जल्दी से इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, ये मैंने ऑलरेडी प्यूरी बना करके रखी हुई थी। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और साथ में एक हरी मिर्च ली थी जिसको हमने मिक्सी में ग्राइंड करके प्यूरी बना ली थी। टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हमें टमाटर को तब तक भूनना है जब तक कि मसाले में से तेल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। गैस का फ्लेम हमने रखा हुआ है मीडियम, मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। मैं इसे ढक कर के पका लेती हूँ करीब 2 मिनट के लिए, जिससे टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाएंगे और तेल भी जल्दी से सेपरेट हो जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मसाले में से तेल जो है वो सेपरेट हो चुका है और बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। मैं ज़्यादातर सब्जियों में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ, इससे जो है सब्जी का कलर काफ़ी अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, ये 3-4 काली मिर्च को मैंने कूट लिया था। इसको हमें पीसना नहीं है, बस हल्का सा दरदरा करना है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है और इसे हमने इस तरीके से हथेली पे ले लिया है और इसे अच्छे से रगड़ के हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, आलू को मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ था। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 मीडियम साइज के आलू। आलू को हम रफली मैश करके इसमें डाल देंगे। आलू को हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, इसके हमें थोड़े मोटे मोटे पीसीज ही चाहिए। ग्रेवी के साथ आलू को 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। कलर आप देख सकते हैं सब्जी का, कितना प्यारा कलर आया है और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसे पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको इसकी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप पानी थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको इसकी थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी रखा है क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी ही पसंद है। अभी तक हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून काला नमक। जी हाँ दोस्तों, काले नमक का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, इससे जो है सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। साथ में हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ हम डालेंगे रेगुलर सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने काला नमक भी डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर। मैंने यहाँ पर हाइब्रिड टमाटर का इस्तेमाल किया था जो कि खट्टे नहीं होते हैं। अगर आप देसी टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आमचूर पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। 2 हरी मिर्च ली हैं जिसे मैंने इस तरीके से स्लिट कर लिया है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब हम ढक्कन ढक करके करीब 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने देंगे ताकि पानी में एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं कि सब्जी अब हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है।
लास्ट में हम इसे गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिए के साथ। तो लीजिए फ्रेंड्स, भंडारे वाले आलू की सब्जी बनकर के तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म पूरी के साथ सर्व कीजिए। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी रेगुलर अपडेट्स करती रहती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।